हेलो एंड वेलकम टू मनी मैटर्स स्टॉक्स। माय नेम इज अमोल परांजपे और आज हम बात करेंगे सिंपल सीक्रेट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स। इनफैक्ट आज इस वीडियो में स्टॉक मार्केट की कुछ चौंकाने वाली बातों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। आप सब लोग जानते हैं इक्विटी मार्केट्स आर एक्सट्रीमली वोलेटाइल एंड रिटर्न्स फ्रॉम मार्केट्स कैन नॉट बी गारंटीड और लीनियर। यानी इफ एज अ इन्वेस्टर यू वांट टू मेक मनी फ्रॉम इक्विटीज, आपको मार्केट्स के उतार चढ़ाव को फेस करना होगा। बीएससी सेंसेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो इन द लास्ट 41 ईयर्स द सीएजीआर यानी द कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट, सिंपल टर्म्स में रिटर्न फ्रॉम इक्विटी मार्केट्स, हैज बीन 16% प्लस। इन स्टॉक मार्केट्स अच्छे रिटर्न्स तभी दिखते हैं व्हेन यू आर देयर इन द मार्केट फॉर लॉन्ग ईयर्स विद फ्रस्ट्रेशन एंड लॉसेस टू योर साइड। याद रखिए, बिग रिटर्न्स आइदर प्रीसीड और सबसीड लॉसेस। जब हमने पिछले 41 ईयर्स का सेंसेक्स का डेटा ईयर बाय ईयर एनालाइज किया विथ रिस्पेक्ट टू द रिटर्न्स जनरेटेड, वी फाउंड समथिंग वेरी सरप्राइजिंग। इट विल मेक यू बोथ हैप्पी एंड सैड एट द सेम टाइम फॉर श्योर। जस्ट टू ब्रीफ यू, स्टॉक मार्केट में 5 बार ऐसे मेगाबुल रिटर्न्स आए हैं जो आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं। 1992 267% रिटर्न, अप्रैल 1989 82% रिटर्न, अप्रैल 94 63% रिटर्न, अप्रैल 2010 78% रिटर्न और 2006 में 75% रिटर्न। अगर हम ये 5 साल के रिटर्न्स 41 ईयर सेंसेक्स के रिटर्न से निकाल दें, द सीएजीआर ऑफ 41 ईयर्स वुड बी जस्ट 3.15%। वुड यू बिलीव इट, जस्ट 3.15%। वेल, यू कैन डू द कैलकुलेशंस फॉर योरसेल्फ। जब हमने ये डेटा अपने दोस्तों और क्लाइंट्स के साथ शेयर किया तो द फर्स्ट एंड नेचुरल रिएक्शन वॉज, अरे भाई, डू वी रियली इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट या वी वेट फॉर द फॉल ऑफ द मार्केट एंड देन इन्वेस्ट। ये डेटा जानने के बाद काफ़ी लोग स्टॉक मार्केट्स के बारे में नेगेटिव सोचने लगे और सोचने लगे फिक्स इनकम एवेन्यूज आर बेटर टू इन्वेस्ट। बट हियर दे आर मिसिंग द एंटायर पॉइंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड डिराइव द कोर डेटा फ्रॉम दिस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट्स। मार्केट्स विल रिवॉर्ड यू ओनली एंड ओनली इफ यू आर इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग रन। यू विल नेवर नो व्हेन देयर इज अ बुल मार्केट और अ बेयर मार्केट। यू जस्ट नीड टू बी इन्वेस्टेड इन इक्विटीज टू टेक एडवांटेज ऑफ द रिटर्न्स। बेसिकली कीप इन्वेस्टिंग सिस्टमैटिकली आइदर डायरेक्टली इन इक्विटीज और थ्रू म्यूचुअल फंड्स एंड स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग। सिमिलरली जब भी मार्केट्स डाउन हो और साइडवेज हो, ट्राई टू पंप इन मोर मनी फ्रॉम द डेट साइड टू इक्विटी साइड बिकॉज द बुल रन माइट बी जस्ट अराउंड द कॉर्नर। थर्डली, व्हेन यू मेक गुड प्रॉफिट्स आउट ऑफ द इक्विटीज, प्लीज प्लीज बुक योर प्रॉफिट्स। यू नीड टू बुक योर प्रॉफिट्स बेस्ड ऑन द सेट पैरामीटर्स एंड रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो फ्रॉम इक्विटी टू डेट। टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड स्विच योर पोर्टफोलियो। इफ यू लीव योर हार्ड एंड मनी टू द मर्सी ऑफ इक्विटी मार्केट्स, द फाइनल रिजल्ट्स कैन बी डेवास्टेटिंग एंड वेरी डिसअपॉइंटिंग। आपको एक रोबस्ट सिस्टम की जरूरत है टू ट्रैक योर स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स एंड बुक प्रॉफिट्स एज पर द प्री डिसाइडेड पैरामीटर्स। ओवरऑल रिटर्न्स फ्रॉम मार्केट्स विल डिपेंड ऑन 1 or 2 बिग मूव्स विच यू विल सी इन योर एंटायर लाइफ टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग। व्हेन दिस ऑकर्स, यू एज अ इन्वेस्टर मस्ट नॉट ओनली बी इन्वेस्टेड बट इन्वेस्टेड बिग वे। So the point is, the amount of money you have invested in stock markets will decide how much money you make and not the returns. Just to elaborate this point, imagine कीजिए जय और वीरू दोनों stock market में invest करते हैं। जय makes 15% ROI and वीरू makes 10% ROI. आपके हिसाब से किसने ज़्यादा पैसा बनाया? Well, most of people will answer जय ने बनाया. But the fact is, the answer to this question depends on how much money both of them have put in the market. अगर जय ने सिर्फ 1 लाख रुपया डाला है और वीरू ने 10 लाख रुपये डाला है, in spite of him making just 10%, he will make 1 lakh rupees on the entire corpus. So investing big is important. Finally, your focus should be on achieving your goals and not on the returns of the investment. Believe me, equity markets will reward you amply only if you are patiently invested and stay invested long to take advantage of the bull run. Well,
Thank you for watching our video. Do like, share and subscribe our YouTube channel Money Matters Stocks. Press the bell icon for further notifications and do write into us. Thank you.